कुर्सी से गिरने पर युवक की संदिग्ध मौत। नगरपालिका अध्यक्ष ने ली जल प्रदाय शाखा कर्मियों की बैठक। कलेक्टर ने फील्ड का तो डीएम ने न्यायालयों का लिया जायजा। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के वार्ड क्रमांक 13 बूढ़ी में किराए का कमरा देखने गए 37 वर्षीय युवक की कुर्सी से गिरने पर संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक मुकेश के भाई उमेश दमाहे ने बताया कि मृतक घोटी खैरलांजी का रहने वाला है, जो वार्ड क्रमांक 13 बूढ़ी में किराए के मकान से रह रहा था। यहाँ से मकान खाली करने के लिए वह दूसरे स्थान पर किराए का मकान देखने गया था, जहाँ वह कमरे में कुर्सी पर खड़े होकर छज्जे को देख रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर कुर्सी से नीचे गिर गया, जिसकी जानकारी उसके परिजनों को मिलने पर परिजन मौका स्थल पर पहुंचे और मुकेश को उठाकर उपचार के लिए एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने युवक की हालत देखकर उसे जिला अस्पताल भिजवा दिया। जिला अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत होना बताया, जिसकी सूचना अस्पताल चौकी पुलिस को दी गई थी। सुबह उसने बोला कि भैया रूम देखने गए थे, और रूम देखने के बाद में वहाँ पे रूम में गया और चेयर पे खड़े हुए और सज्जा वगैरह देख रहे थे, तो बस वही सज्जा के से ये हो गया, गिर गए। हाँ, यानी गिर गए वहाँ। उसके बाद में हम हॉस्पिटल में इन्हें पहुँचाए, यहाँ उन्हें पहले लोकर के यहाँ लेके गए। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे लाए लोकर के यहाँ से, इन्होंने बोला कि जिला हॉस्पिटल में लेके चलो। उसके बाद में हम निकले, ये अपने को मालूम नहीं सर बताऊँ क्या, मगर हमको जब वहाँ पे हम निकले रास्ते में थे। अच्छा, मगर वहाँ पे हमको कॉल आया कि डेट हो गई। राजस्व महाअभियान 2.0 को जिले में सफल बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पहले ही राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देशित कर चुके हैं। शुक्रवार को कलेक्टर अभियान की वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए किरनापुर क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान वे ग्राम पंचायत दहेली माटे, साले टेका और मोहगांव खुर्द में फौती नामांतरण समग्र और KYC की जानकारी ली। नगरपालिका के अध्यक्ष कक्ष में 26 जुलाई को नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने जल प्रदाय शाखा के समस्त कर्मचारियों के साथ बैठक कर पीने के पानी की समय पर जांच PHE के माध्यम से कराए जाने और निकाय द्वारा स्थापित लैब में समस्त उपकरणों का संधारण कर निकाय स्तर भी जल परीक्षण किए जाने निर्देशित किया गया। साथ ही नगरवासियों को दोनों टाइम पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए। मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी NCC बालाघाट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत कमल गुप्ता से प्राप्त निर्देशानुसार शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय टिहली, BCM राइज उत्कृष्ट विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के NCC कैडेट्स ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विशेष तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रिटायर्ड निरीक्षक सुरेंद्र बिसेन उपस्थित रहे।